उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवारा पशुओं के लिए जहां तहां गौशाला बनाने में काफी तादाद में पैसा खर्च किया जिसको आवारा पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन कुछ दिनों तक तो अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान दिया मगर अब अधिकारियों से इससे किनारा करना शुरू कर दिया है। आवारा पशु खेतों और गाँव में आजाद घूम रहे हैं जिससे किसानों और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा पशु किसानों की बोई हुई फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आवारा पशुओं को खेतों में से भगाने पर आवारा पशु किसानों पर जानलेवा हमला करते हैं और पशुओं के आवारा घूमने से आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी क्रम में आज मुरादाबाद के छजलट ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय किसानों ने सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं को ले जाकर ब्लॉक सभागार में धरना प्रदर्शन किया और आवारा पशुओं को जल्द गौशाला पहुंचाने के लिए वीडियो पीएन चौधरी को ज्ञापन सौंपा। आज ब्लॉक में धरना किस बात का? धरना इस बात का है कि ये जो आवारा पशु है ना जी, आवारा पशुओं को लेकर है। सरकार से ज्ञापन भी दे रहे हैं, कमिश्नर महोदय को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, सब लोगों को दिया है। अब ये इतने पशु हो गए और इनमें सांड ये हालत कर रहे हैं कि आदमियों को, औरतों को, सबको मार रहे हैं और फसल तो नाश कर ही कर रहे हैं लेकिन मार रहे हैं। अब आखिर फिर ये निर्णय लिया कि भाई यहाँ ब्लॉक में ही अपने क्षेत्र के बाहर जाएं और ये अपनी वहाँ पहुँचावें जहाँ भी कहीं इनकी व्यवस्था हो, क्योंकि सरकार व्यवस्था करेगी। इसलिए परेशान होकर इसलिए ये कदम उठाए। क्या आश्वासन दे रहे हैं? हाँ, जितने आए हैं इन्हें वो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करा रहे हैं, कहीं इनकी गौशाला है, गौशालाओं में और भिजवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी और अधिकारी से आपने रिक्वेस्ट की इसके? नहीं, हमने तो ज्ञापन दे दिया। हमारा ये काम नहीं है कि हम अधिकारी के वहाँ जाकर मीटिंग करें, अधिकारी तो खुद ही यहाँ आएंगे, जिन्हें जरूरत होगी हमसे बात करेंगे। अब क्या चाहते हैं? अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो क्या चाहते हैं? समाधान हुआ तो हम अपनी बैठक करके कोई निर्णय लेंगे, बैठक करके निर्णय लेंगे। और निर्णय भी ऐसा होगा कि शायद अगर ये देर करेंगे तो पूरे ब्लॉक के और फिर ब्लॉक के बाद जिले के फिर यहाँ एक पूरा हंगामा हो जाएगा और मतलब पशु नहीं थामे जाएंगे। तो इसलिए हमारा इनसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करें। सर, आज किसान पशुओं को लेकर ब्लॉक में जमा है, क्या वजह? जो आवारा पशु हैं गांव में घूम रहे हैं उनको पकड़ के लेके आए हैं गौशाला में भिजवाने के लिए। तो आपसे आपने क्या आश्वासन दिया इनको, क्या चाहते हैं किसान? अब किसान ये चाहते हैं कि मेरे गाय जो है गौशाला में चली जाए, तो गौशाला में जाने के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। अभी ट्राला बुलाया है और मेटर रोड दो मंगाए हैं, उसमें भरवा के हम गौशाला को भिजवा रहे हैं। नहीं, किसानों का आरोप ये भी, अभी गांव में भी बहुत काफ़ी पशु हैं। गांव में भी कुछ अभी हैं, अब जो गांव में हैं वहां हमने उन्हें रुकवा दिया और धीरे धीरे करके जहां भी गौशाला में जगह होगी वहां भिजवा जाएगा। अच्छा, गौशाला में भी इनके लिए अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब गौशालाओं में तो साफ समस्या है ही, लेकिन फिर भी जितनी बेहतर व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से उतना कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।